फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी का जो वीडियो होने जा रहा है ये है यामा NT15 BS6 वर्सेस KTM RC125। तो सीसी का बहुत बड़ा ही डिफरेंस है, बट जो प्राइस है वो लगभग सेम है। 1,70,000 प्लस MT भी आती है और 1,70,000 प्लस RC भी आती है। तो यहाँ पे प्राइस को लेकर के कंपेयर किया जा रहा है और पावर का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, बट प्राइस रेंज जो है वो सेम है, तो इसलिए हम इनको टेस्ट कर पा रहे हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले अगर जो आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, मज़ा आने वाला है वीडियो में। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। क्यों प्रमोट कर रहे हो क्या उसको? इसको प्रमोट कर रहे हो तो मैं इसको कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे दोनों बाइक हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट हो रहा है। ये मैं निकला गड्डी लेके, जैसा कि आप लोग जानते हैं RC का एक्सेलरेशन थोड़ा सा कम है, तो एक्सेलरेशन में मैं फास्ट हूँ। छठा गियर लगा दिया है मैंने। एक सौ बत्तीस, 133। आरसी निकल पाएगी, पीछे पलट के देखें। अरे दूर है, बहुत दूर है। थोड़ा सा निकलने देते हैं, वरना तो हमें नहीं लग रहा ये निकल पाएंगे कभी भी। भी नहीं निकल पाया, मैंने इतना मौका दिया उसके बावजूद नहीं निकल पाया। कैसा आदमी है ये रे। निकल, पहली फुर्सत में निकल। ये आया, ये हल्के
था हमने तुम्हें है? लोग एमटी को आराय दे रहे हैं। देखा तो हमने कहा देखे हम भी चला के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं चैलेंज करता हूँ कि दूर दूर तक दिखोगे नहीं। चलो शुरू करो। अरे आराम से चचा, ये एक्सेलरेशन में स्लो है। काफी ज्यादा आगे निकल गया है। नामुमकिन है जितना, अगर वो निकलने नहीं देगा तो नामुमकिन है। रोक लो रोक लो रोक लो रोक लो। नामुमकिन है, 125 पे इसका लिमिटर हिट करता है, आप लोग जानते ही। तो फिर से करोगे एक बार? करने की जरूरत नहीं है, वही तो कह रहा हूँ। रिजल्ट सामने, अब 220 के साथ इसको देखते हैं करके। कुछ लोगों का कहना है कि प्राइस इसका ज़्यादा है और पावर फिर इसी में ज़्यादा होगी, सीसी से मैटर नहीं करता है। पहले 220 के साथ डालना, बाद में इसके साथ डालना। यस यस।